चर्च और हमारे चर्च में बहुत ही अच्छे संगीतकार रहे हैं एंड हैज बीन अपहोल्डिंग द यंग पीपल और जवान भाइयों को वो उठाते रहे हैं एंड गॉड हैज यूज्ड हिम टाइम टू टाइम इन स्पीकिंग द वर्ड इन कॉटेज मीटिंग्स एंड इन वेरियस प्लेसेस और खुदावंद ने समय ब समय इनको इस्तेमाल किया है ताकि कॉटेज मीटिंग्स में और जगह ब जगह खुदावंद के वचन का प्रचार कर सके एंड इवन इन द चर्च यहाँ तक भी चर्च में भी God has given my brother a revelation. खुदावंद ने मेरे भाई को एक मुकाशवा दिया है. And because God has given him that revelation, और क्योंकि खुदावंद ने उनको मुकाशवा दिया है, God has brought him to this place. खुदावंद को इस जगह पे लेके आए हैं. Where he has bought this place, जबकि उन्होंने इस जगह को खरीदा, and has decided to stay here. और फैसला लिया है, निर्णय लिया है कि यहाँ पर रहेंगे. They were staying in Delhi. वो दिल्ली में रह रहे थे. Especially in Mehrauli region where Peter is. और खास तौर से मेहरौली वाले क्षेत्र में जहाँ पे अजीज भाई पीटर रहते हैं. But somehow after some time, लेकिन किसी कारणवश थोड़े समय के बाद, we sort of saw an exodus from that place. Amen, amen. एक खुरूज उस जगह से हो पाया. And there are many who came out of it. और कई हैं जो वहाँ से निकल के आ पाए. And God gave them this grace. और खुदावंद को यह अनुग्रह प्रदान किया. I still remember my father called that place Sodom and Gomorrah. मुझे अभी भी याद आता है मेरे पिताजी उस जगह को सदोम और गमोरा कहते थे. That's right. That's right. Even when Mr. What was that name? Mr. Mawasi Ram, when he was cutting those plots. यहाँ तक कि मिस्टर मवासी राम जब उन प्लॉट्स को काट रहे थे. If I'm not wrong, what was that name? I think that was that name. Morris. Mr. Morris was there, but Mawasi was there. Mawasi Ram was there. Actually, he was the one. Who was cutting the plots? वास्तविकता में वही थे जिन्होंने उन प्लॉट्स को काटा था. Near Kutub. Kutub के पास. My father saw it and he was also approached to maybe buy a land because that was supposed to be a Christian colony. और क्रिश्चियन कॉलोनी होने के नाते मेरे पिताजी के पास भी लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इस जगह में अपना हिस्सा ले सकते हैं. Somehow he didn't. किसी रीति से उन्होंने वहाँ पे हिस्सा लिया नहीं. And his spirit didn't allow him. और उनकी आत्मा ने अगुवाई नहीं दी. But anyhow, फिर भी, we find that many of our brothers and sisters they live there. लेकिन हम पाते हैं हमारे कई भाई और बहन वहाँ पर रहते हैं. And jokingly he used to say, और मजाकिया तौर पे वो क्या करते थे? That is Sodom and Gomorrah. अरे वो तो सदोम हो रहा है. That's right. He used to always say it like that. वो सही बात हमेशा ऐसे ही कहते थे. Of course, later on we find when we see that place and the conditions. It's somewhat like that. और जब हम हालतों को देखते हैं, जिस प्रकार से हालतें वहाँ पहुँच गई हैं, हम पाते हैं कि वास्तविकता में सदोम गोमोरा जैसी हालतें हैं। That's right. Even our brother wants to come out of that place. यहाँ तक कि हमारे भाई भी उस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। But because of his illness and proximity to the hospital, he stays there. और बीमारी की वजह से और अस्पताल निकट होने की वजह से भाई वहाँ पे रह रहे हैं। And he's still going along. अभी भी चल रहे हैं। Anyhow, but I say that our brother Donnie and Sister Sharon got this privilege to come and come in this place and buy this house. और मैं कहूँगा कि खुदावंद ने अनुग्रह दिया है भाई डोनाल्ड को सिस्टर शारोन को कि वो उस जगह से बाहर निकल गया है और इस जगह को क्योंकि यहाँ पर है इसको खरीद पाए. Now let us try to understand. अब आइए समझने की कोशिश करें. What is the background? When Abraham arrived at Mamre. आइए भूमिका देखने की कोशिश करें. क्या थी भूमिका जिसमें होते हुए इब्राहिम जो है वो ममरे पहुंचा. दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड. ये कुछ समझने योग्य बात है. व्हाट हैपेंड इन जेनेसिस 18 इज मच लेटर. उत्पत्ति 18 में जो हुआ वो तो बहुत देर की बात है. बट ही अराइव एट ममरे मच बिफोर जेनेसिस 18 हैपेंड इन हिज लाइफ. लेकिन इससे पहले कि उत्पत्ति 18 उसके जीवन में घटे उससे बहुत पहले वो ममरे पहुंचा. दैट्स व्हाई आई रेड द स्क्रिप्चर बिफोर यू. इसलिए मैंने इस वचन के हिस्से को आपके सामने पढ़ा. इफ यू नोटिस द पॉइंट एट विच ही अराइव्ड इन दिस प्लेस कॉल्ड हीब्रोन विच इज ममरे. अगर आप पाएंगे वो पॉइंट जिसमें होते हुए वो हीब्रोन में इस जगह पे जिसका नाम ममरे वहां पहुंचा. इज बिकॉज देयर वाज अ स्ट्राइफ बिटवीन हिम एंड हिज नेफ्यू दैट इज लॉट. और आप पाएंगे कि ये कारण इस वजह से बन पाया क्योंकि उसके और उसके जो चरवाहे थे और उसका जो भतीजा था जो लूत था उसके चरवाहों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा था. And we have seen the Bible that Lot is a type of the nominal church. और हम देखते हैं बाइबल में तस्वीरों के तौर पे लूत जो है वो नामधारी कलीसिया है.
And Abraham is a type of a real believer. और इब्राहिम तस्वीर है वास्तविक विश्वासी की. Is that right? बात सही है. Now try to understand it. अब इसको समझने की कोशिश करें. I'm not calling this place blessed. I mean, Faridabad is blessed, Delhi is cursed. I'm not saying these things. मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि फरीदाबाद वाला जो स्थान है ये बहुत मुबारक है और दिल्ली जो है वो बहुत ही श्रापित है. The whole world is under the curses of God. पूरा का पूरा संसार खुदावन के शापों के नीचे है. Every city is under that. हर एक शहर उसके नीचे है. But you see, God also gives certain chosen places to His people. हम ये भी जानते हैं खुदावन कुछ खास चुने हुए स्थान अपने लोगों को देते हैं. And God blesses that place because of His Son. और खुदावन उस जगह को बरकत देते हैं अपने बेटे की वजह से. That's right. बात सही है. You see here, you see lot of beer joints. अगर आप यहाँ देखें इस शहर में जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द आप पाएंगे बहुत सारे शराब के अड्डे हैं. Yeah, that's right. It's something like Abraham dwelling with Amalekites. Abraham जो है अमालेकियों के बीच में रह रहा हो. Outside the street you can see those Amalekites. आप देख सकते हैं गलियों में कैसे अमालेकी घूमते हैं. But amongst them, लेकिन उनके बीचों बीच, God has given a small place. उन्होंने छोटा स्थान दिया है. Our precious brother, हमारे बहुमूल्य भाई को, which he would like to call as Mamre, जिसको कि वो बुलाना चाहेंगे Mamre. Now let us see for a little time. आइए थोड़े समय तक देखते हैं. What happened when Abraham arrived at Mamre? क्या हुआ जब इब्राहिम Mamre पहुंचा? Amen. It was a result of a separation between a believer and a make believer. ये असरात था एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में अलहदगी का. And that was the final point, as Brother Branham said, in his life, which needed a separation, which Abraham couldn't separate, but God brought a situation and he had to separate. और ये आखिरकार आप पाएंगे भाई ब्रैनम बताया कि ये खुदावन लेके आया इस बात को कि एक सेपरेशन, एक अलहदगी आ सके एक विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच में. God's word calls for total separation from all unbelief. खुदावन का वचन सब प्रकार के अविश्वास से अलहदा होने के लिए बुलाता है. Try to understand it. Amen. समझने की कोशिश करें. Brother Branham said it. His father was a problem. My brother बताया कि उसका जो बाप था वो समस्या था. His name was Mr. Tera. उसका नाम था श्रीमान तेरा. And he was an idol worshipper. और वो एक मूर्ति पूजक था. So that was a problem. तो ये एक समस्या था. But later on you say the house, it happened that finally that man died. और आप पाएंगे आखिरकार क्या हुआ कि वो आदमी मर गया. And then Nahor was there. और फिर Nahor था. And other brothers. बाकी भाई लोग who still wanted to continue with Ur of Chalies, जो कि उस कस्बे के Ur में बने रहना चाहते थे. Yes. That's right. But somehow there was something in Abraham. Yes. Which longed for a true God. Yeah. उस बात थी इब्राहिम के अंदर जो कि चाह करता था उस सच्चे खुदा की. He knew in his heart. Amen. That what he's doing and serving is not right. वो जानता था अपने हृदय में जिस चीज की वो सेवा कर रहा है वो सही है नहीं. He knew that these idols are nothing. वो जानता था कि ये मूर्तियां कुछ नहीं है. It's said by classical history that Nimrod lived in that time. और classical history को उठाकर देखे तो पता रहेगा कि Nimrod वहां रहता था. But Abraham opposed Nimrod. लेकिन इब्राहिम ने विरोध किया Nimrod का. He opposed that Babylonian system. उस बाबुली जो प्रणाली था संस्था था उसका उसने विरोध किया. And so one day while he was alone, और एक बार जबकि वो अकेला था, he heard a voice. उसने आवाज को सुना. And that voice told him. उस आवाज ने उससे कहा, now leave this place. अब इस जगह को छोड़ दे. And go out and I will show you that place. और तू बाहर जा मैं तुझे एक स्थान दिखाऊंगा. Which I will give you and your seed as inheritance. जिसको कि मैं तुझे और तेरे वंश को विरासत के तौर पे दूंगा. And you know how the scripture says. और हम जानते हैं कैसे वचन कहता है. He was seeking a city whose builder and maker is God. वो एक नगर की खोज में था जिसका बनाने वाला और रचने वाला खुदावन है. In order to seek that city, he spent his time in tents. Mamre. और उस नगर को खोजने के लिए उसने अपने समय को बिताया तंबुओं में Mamre. Mamre was not a permanent dwelling place. Mamre जो था वो हमेशा का रहने वाला निवास स्थान नहीं था. It was a temporary place. वो अस्थाई जगह थी. Abraham lived in that place knowing that a city is coming. इब्राहिम उस जगह पे रहा इस बात को जानते हुए कि एक शहर आने वाला है.
He was looking for that city. Oh, शहर की ओर देख रहा था. His builder and maker is God. इसका बनाने वाला और रचने वाला खुदावंद है. But you see, he met the king of that city only after he came to Mamre. लेकिन आप देखिए, वो शहर के राजा से वो तभी मिल पाया जब वो एक बार मम्रे पहुंच गया. That is something. ये कुछ बात है. So one fine day it came in his life. और एक दिन ऐसा हुआ उसके जीवन में. His father died. उसके बाप गुजर गए. So that part of unbelief was gone. So अविश्वास का वो वाला हिस्सा चला गया. Only one part remained. केवल एक हिस्सा रह गया. That is Mr. Lot. और वो था श्रीमान लूत. And so God brought situations in his life. So खुदावन भारतों को खुदा ने उसके जीवन में पैदा की. Because you see, God wanted to do something in this man's life. क्योंकि खुदावन इस मनुष्य के जीवन में कुछ करना चाहते थे. If you all read the message carefully, अगर आप ध्यानपूर्वक सब संदेश को पढ़ते हो, after Adam in Eden, आदम के बाद अदन में, God was making a fresh start with another man. खुदावन एक ताज़ा एक स्टार्ट कर रहे थे इस आदमी के साथ. What could not be accomplished in Eden? जो अदन में पूरा नहीं हो पाया, He will now foreshadow it in this man. अब वो दूर छाया करके इस मनुष्य में करेंगे. Hallelujah. God knew. खुदावन जानते थे. I made a covenant with them. मैंने उनके साथ वाचा बांधी है. And I had put some conditions. और मैंने कुछ हालतों कुछ शर्तों को रखा है. And devil heard those conditions. और शैतान ने उन शर्तों को सुना था. And he played with those conditions to bring the fall. और उसने उन शर्तों के साथ खेल खेल करके एक गिरावट को लेके आया. My condition I had made was, शर्त जो मैंने रखी थी वो ये थी, the day you eat this fruit, you shall die. जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे. So when the devil came, तो जब शैतान आया, his sentence started like this. उसका वाक्य इस प्रकार से चालू हुआ. Are you not supposed to eat all the fruits? क्या तुम्हें सब फलों खाने की ममानियत है? The day we eat this fruit, we shall die. जिस दिन हम इस फल को खाएंगे मर जाएंगे. You shall not die. तुम नहीं मरोगे. He attacked that condition. उसने उस शर्त पे हमला बोला. And God saw this. और खुदावन ने इसको देखा. That Satan played with those conditions to bring the fall. कि शैतान ने उन शर्तों से खेल खेल करके इस गिरावट को लेके आया. So when God started with Abraham, so खुदावन ने जब चालू किया अब्राहम के साथ, He didn't place any condition. तो उसने कोई भी शर्त नहीं रखी. Because when there is no condition, क्योंकि जब कोई शर्त नहीं होती, devil cannot play with the work of God. शैतान खुदावन के कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता. That is the grace of God. ये खुदावन का अनुग्रह होता है, which does the work, जो काम को करता है. And brings the desired results. और वो desired results को लेके आता है. Bring the promise to come to pass. और वादे को पूरा करता है. And so God was starting fresh with this man. तो खुदावन ताला ताला शुरू कर रहे थे इस आदमी के साथ. His name is Abraham. उसका नाम अब्राहम है. And doesn't know much. वो अधिक जानता नहीं. But he heard a voice. लेकिन उसने आवाज को सुना. But Abraham said he was probably a commoner like us, eating berries. बताया कि शायद वो हमारे समान आम आदमी था जो कि बेरीज खाता था. I read that line in the message. मैंने इस लाइन को पढ़ा है संदेश में. He used to eat berries and hunt. और वो बेरीज खाता था और वो शिकार करता था. Just move in the woods. He was a woodsman kind of a fellow. और एक जंगल में रहने वाला एक शख्स था वो. He loved those woods. उसको जंगल से बहुत प्रेम था. One day in that place when he was alone, he heard a voice. जब उस स्थान में वो अकेला था उसने आवाज को सुना. God called him. बुला ने उसको पुकारा. You see, God calls a man. आप देखिए खुदावन एक मनुष्य को बुलाते हैं. And they are talking about Abraham. He said, when God calls a man in service, He calls his wife with him. और खुदावन मनुष्य को बुलाते हैं. संदेश में भी बताते हैं कि जब खुदावन एक आदमी को बुलाते हैं सेवा के लिए तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी बुलाते हैं. You see, that marriage between Abraham and Sarah had already happened. आप देखिए वो शादी जो इब्राहिम और सारा के बीच में थी वो पहले ही हो चुकी थी. It was done, finished. वो हो चुकी थी. And the call had not yet come. और अभी बुलाहट आई नहीं थी. The marriage had taken place. शादी हो चुकी थी. I want you to watch this carefully. मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखें. They stayed married for some years. कुछ सालों तक वो शादीशुदा रहे. Other brothers and their wives were having children. बाकी जो भाई हैं उनकी जो बीवियां हैं उनके बच्चे हो रहे हैं. But Sarah is not having any child. लेकिन सारा के कोई भी बच्चा नहीं हो रहा. But he loved her very much. लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम रखता था. And she loved him very much. और वो भी उससे बहुत प्रेम रखती थी. She called him her Lord. वो उसको अपना प्रभु कहती थी. She used to respect him. वो उसका बहुत आदर करती थी. God used to see this. खुदावन इसको देखते थे. And God knew that he is a predestinated child. और खुदावन ये जानते थे कि ये एक पहले से ठहराया बनाया से पहले ठहराया हुआ एक संतान है. And why did God put Abraham and Sarah in that situation? और
Why did God put Abraham and Sarah in that situation? खुदा ने इब्राहिम और सारा को उस हालत में क्यों रखा? The answer to that would come in their call. जो जवाब है इसका उनकी पुकार में, उनकी बुलाहट में आएगा. After they obey that call, जब वो उस बुलाहट का आज्ञा मानेंगे, what was not understood by them in their lives would be now understood. जो उनके जीवन में ना समझी बातें थी, अब वो समझ आ जाएगी. We are praying and praying and praying and there's no child. हम प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना कर रहे हैं और कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा. But when the call came, लेकिन जब बुलाहट आए, God gave an answer to him. खुदा ने उसको जवाब दिया. I'm not just giving you a child. मैं केवल तुझे एक औलाद नहीं दे रहा. I'm giving you a land. मैं तुझे एक भूमि दे रहा हूँ. The prophet said, अभी ने बताया, in the message breach, उस संदेश जिसका नाम फासला है. When Adam heard his wife, जब आदम ने अपनी पत्नी की सुनी, he lost two rights. उसने दो अधिकारों को खोया. He lost the right to life. उसने जीवन के अधिकार को खोया. And he lost the right to inheritance. और विरासत के अधिकार को खो दिया. And now when God was talking to Abraham, और जब खुदा ने इब्राहिम से बातचीत कर रहे हैं, he's trying to bring those rights and shadows in his life. और वो तस्वीरों में होते हैं, अधिकारों को उसके जीवन में लाते हैं. He was talking about reproduction. वो बातचीत कर रहे थे प्रजनन की. I'll give you a seed. मैं तुझे एक वंश दूंगा. The right to life. जीवन का अधिकार. And I'll give you an inheritance. मैं तुझे एक विरासत दूंगा. I'll give you a land. मैं तुझे एक भूमि दूंगा. And to your seed. और तेरे वंश को. And from Amen. That time, और उस समय से, Abraham became a believer. इब्राहिम एक विश्वासी बन गया. Of course, he was predestinated. बेशक वो पहले से ठहराया हुआ था. But you find as a believer started his walk, लेकिन आप पाएंगे जैसे विश्वासी ने अपनी चाल को चलना शुरू किया, there were others who joined up with him. बाकी कुछ और थे जो उसके साथ मिल गए, who were not a part of that call. जो कि बुलाहट का हिस्सा नहीं थे. You see, Lot was not a part of that call. आप पाएंगे लूत जो था वो उस बुलाहट का हिस्सा नहीं था. You find his father was not a part of that call. आप पाएंगे उसका जो बाप था वो उस बुलाहट का हिस्सा नहीं था. You find Brother Branham uses that word hair in the biscuit. भाई ब्रैनम उस वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाल जो है वो जो बिस्किट में बाल पाया जाता है. You know, it becomes gaggy when you're eating things. जब आप खाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है. He said Lot was a hair in the biscuit. आप पाएंगे लूट जो था वो कबाब में हड्डी था. That's right. That's the right word. ये सही word. You can understand that. आप इसको समझ सकते हैं. Until that is gone, जब तक वो ना चला जाए, this promise cannot be fulfilled in his life. Yes, ये promise के जीवन में पूरा नहीं हो सकता. Amen. And so one fine day, तो एक खास दिन, it was not that he pre-planned to go to Mamre. ये उसने ऐसा नहीं था, उसने पहले से निश्चित किया हुआ था, प्लान किया हुआ था कि मैं मामरे जाऊंगा. He gave a choice to Lot. उसने लूत को चॉइस दी. He said, "Now you choose first." उसने कहा, पहले तू चुन ले. If you go east, I'll go west. अगर तू पूरब जाएगा मैं पश्चिम जाऊंगा. यू गो इन वन डायरेक्शन आई विल टेक अनदर डायरेक्शन. अगर तू एक दिशा में जाएगा मैं उसके विपरीत दिशा में चले जाऊंगा. द चॉइस इज योर्स मिस्टर मेक बिलीवर. मिस्टर श्रीमान मेक बिलीवर अब बनावटी विश्वासी फैसला पहला तुम्हारा है. यू मेक अ चॉइस वेयर डू यू वांट टू गो. पहला फैसला तुम लो, तुम कहां जाना चाहोगे. एंड यू नो लॉट्स माइंड वाज ऑलरेडी मेड अप. और आप जानते हैं कि लूत तो पहले से मन बना चुका था. बिकॉज ही हैड सीन दिस वेल वाटर प्लेन of Sodom. उसने सदोम के इस बहुत ज्यादा ऐसी जगह को देखा, उस हरियाली वाले क्षेत्र को देख लिया था. And he knew this is a beautiful place. और वो चाहता था ये खूबसूरत जगह है. So he said, "Uncle, why don't I go in this direction?" उसने कहा कि अंकल मैं इस दिशा में क्यों ना चला जाऊं. Of course. बेशक. This is your choice. ये तुम्हारा फैसला है. What you want to do is yours. जो तुम करना चाहते हो ये तुम्हारा है. That's right. But since now you go in that direction, लेकिन क्योंकि जब तुम उस दिशा में जा रहे हो, I have to go in the opposite direction. तो मुझे इसके विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा. But Abraham didn't knew. लेकिन इब्राहिम नहीं जानता था. That opposite direction actually carried the revelations of his life. जो विपरीत दिशा है वास्तविकता में उसके जीवन के प्रकाशन को लिए हुए थे. When he separated from Lot, जब वो लूत से अलग हुआ, it is at that point, ये है वो स्थिति, when he arrived at this place called Mamre, ये है कि जब वो उस जगह पे पहुंचा, जिस जगह का नाम था Mamre. If you follow his journey, अगर आप उसकी यात्रा का अनुकरण करें, he went from Ur of Chaldees to Haran, वो कसदियों के ऊर से निकल के हारान गया, then he arrived in Israel, in what is called Israel today, I mean the land of Canaan. In a place between Bethel and Ai, and there he established an altar. और आप पाएंगे कि वो इज़राइल के क्षेत्र में जिसको कि हम कनान का देश कहते हैं, ऐ और बेतेल के बीच में वो जगह पे पहुंचा. And he stayed in many places. और कई स्थानों में वो रहा. He had his backslidings. उसके पिछड़ना था जीवन में. You find it so happened.
आप पाएंगे ऐसा हुआ. He almost lost his wife. उसने लगभग लगभग अपनी बीवी को खो दिया. He spoke a lie. उसने झूठ बोला. He went out of the land. वो भूमि से बाहर चला गया. For a brief period of time. थोड़े समय के अंतराल के लिए. And he was in Egypt. और वो मिस्र में पहुंचा. And he almost lost his wife. और लगभग लगभग अपनी पत्नी को खो दिया. But you see, since the covenant was unconditional. लेकिन आप पाएंगे क्योंकि जबकि वाचा बेशर्तीय थी. This time, when the king of Egypt approached Sarah, इस बार जबकि मिस्र के राजा ने सारा के समीप जाना चाहा, God intervened. गुलाम बीच में आ गए. Because the covenant said, क्योंकि वाचा ने कहा, not what you are doing, ये नहीं जो तुम कर रहे हो, or what I am doing for you, ये नहीं जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. Amen. And so God intervened. So खुदावन बीच में आए, and took Sarah out of that. और उस जगह से सारा को निकाल दिया. That is another experience he had. ये एक और तजुर्बा उसको मिला. He almost lost her. लगभग लगभग उसको खो दिया था उसने. But she was restored back to him. उसके पास वापस बहाल हो गई. And now they were living together. और वे एक साथ रह रहे थे. It is at that time. ये है वो समय. When that separation came. जब ये अलैदगी आई. And the day the prophet said he separated from Lot. Yes, sir. और नबी ने बताया जिस दिन वो लूत से अलग हुआ. That was the day he had separated totally from all unbelief. ये है वो दिन जबकि वो पूरे का पूरे अविश्वास से अलग हो गया. And the day he separated totally from unbelief. और जिस दिन संपूर्ण वो अविश्वास से अलग हो गया. He came to this place called Mamre. वो इस जगह पे आ गया जिसका नाम था Mamre. I'm showing you from the Bible what happened. मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा क्या हो रहा है. How he arrived at this place. कैसे वो इस जगह पे पहुंचा. Amen. What's the background in him coming to this place. क्या भूमिका है कि वो इस जगह पे पहुंचा. There has been a separation in his life. एक जीवन में उसके अलैदगी आई. When he separated from all unbelief. जबकि वो तमाम अविश्वास से अलग हो गया. Lot had made his choice. लूत ने अपना फैसला कर लिया था. There were many who were walking with him in his call when they were not a part of that call. कई थे जो उसके साथ चल रहे थे और उस बुलाहट बुलाहट में जो कि इब्राहिम की थी जबकि वो उस बुलाहट का हिस्सा नहीं थे. अंडरस्टैंडिंग क्या समझ रहे हैं आप. दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉल. वो उस बुलाहट का हिस्सा नहीं थे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड कैचिंग व्हाट आई एम सेइंग. मैं आशा करता हूं पकड़ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं. इवन टुडे यहां तक कि आज भी. देयर आर मेनी सो कॉल्ड बिलीवर्स वॉकिंग विद द बिलीवर्स. यहां तक कि आज भी आप पाएंगे कहलाने वाले विश्वासी जो कि विश्वासियों के साथ वास्तविक विश्वासियों के साथ चल रहे हैं. But actually they are not a part of the call. लेकिन वास्तविकता में वो उस बुलाहट का हिस्सा नहीं है. There are many who call themselves Christians. कई हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं. But they are not actually Christians. लेकिन वास्तविकता में वो मसीही हैं नहीं. There's only a specific small group. केवल एक खास चुनाव झुंड है. Whom God chose from the foundation of the world. जिसको खुदा ने बिना आरंभ से पेश तो चुना. Predestinated them. उनको पहले से ठहराया. And brought them to this age. और इस युग में लेके आए. To manifest His will. ताकि अपनी इच्छा को प्रकट कर सके. I hope you're catching it. आशा करता हूँ पकड़ पा रहे हैं. So in chapter 13. तो 13वें अध्याय में. He arrives at Mamre. वो Mamre पे पहुँचते हैं. And the minute he arrives at Mamre. और जिस क्षण वो Mamre पहुँचते हैं. His first experience, उनका पहला तजुर्बा, is a battle. वो है युद्ध. He with some trained men, वो कुछ प्रशिक्षित पुरुषों के साथ, goes and brings his lost brother back. Amen. जाकर के अपने खोए हुए भाई को वापस लेके आते हैं. I hope you are catching this message. आशा करता हूँ आप इस संदेश को पकड़ पा रहे हैं. When he arrived at Mamre, जब वो Mamre में पहुंचा, he started this work. उसने इस कार्य को शुरू किया. When he heard, जब उसने सुना, that brother who went to Sodom. वो भाई जो सदोम गया था. Yes, brother. But now he is now under bondage. लेकिन अब वो एक बंधुआई में है. There had been a battle. वहां पर एक लड़ाई हुई है. And at the end of that battle. और लड़ाई के अंत पे. That brother has been taken in bondage. वो भाई जो है वो बंधुआई में ले जाया गया है. When Abraham heard that. That's right, brother. ने इसको सुना. He went and got his lost brother back. Amen. Yes. खोए हुए भाई को वापस लेके आया. I'm showing you what happened at Mamre. Amen. दिखाना चाहता हूँ Mamre पे क्या हुआ. He brought his lost brother back. वो अपने खोए हुए भाई को वापस लेके आ गया. And when he did that, जब ऐसा किया उसने, God gave him that success. खुदावन ने उसको ये सक्सेस दी. The next thing that happened is, अगली चीज जो हुई, he met God in the valley of Shaveh. उसकी मुलाकात खुदावन से शावे नाम तराई में हुई. And he met the king of that city. Amen. शहर के उस नगर के राजा से उसकी मुलाकात हुई. He gave him bread and wine. उसने उसको दाखरस और रोटी दी. Amen. And he gave him the tithes. और उसने उसको दशमांश दिया. He started seeing the visitation of God. उसने खुदावन के विजिटेशन को खुदावन की मुलाकात को देखना शुरू किया. The voice which he heard.
जिस आवाज को वो सुनता था वाज नाउ इन अ मैन एंड देन ही केम Amen. And when he came in the valley of Shaveh, और जब वो शावे नाम तराई पे पहुंचा, Abraham bowed before King Theophany. Abraham जो है वो राजा थियोफनी के सामने नतमस्तक हुआ. And King Theophany blessed him. और राजा थियोफनी ने उसको बरकत दिया. And said, "Blessed be Abraham." Amen. Abraham तू धन्य हो. Amen. Amen. And I want to show you this. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. After receiving that blessing, उस बरकत को प्राप्त करने के बाद. This is again at Mamre. फिर से ये मम्रे में है. That God established His covenant. कि खुदावन ने अपनी वाचा को स्थापित किया. In Genesis chapter 15. उत्पत्ति 15वें अध्याय में. When you find, जब आप पाएंगे, that what did God do? खुदा ने क्या किया? He said, "Now bring these three offerings." Yes. उसने कहा, अब इन तीन भेंटों को लेके आ. And don't divide these birds. और इन चिड़ियों को तू विभाजित मत करना. And you know the whole story. और आप जानते हैं पूरी कहानी. How a fire and light passed between those pieces. Amen. जैसे आग और रोशनी उन टुकड़ों के बीच से होके गुजरी. And that day God established a covenant. उस दिन खुदा ने वाचा को स्थापित किया. To thy seed have I given this land. तेरे वंश को मैंने ये भूमि दे दी है. I hope you're catching this message. आशा करता हूँ संदेश को पकड़ पा रहे हैं. Then you will understand. अब आप समझेंगे. All this was happening with him at Mamre. ये सब कुछ उसके साथ मम्रे में हो रहा था. Yes, sir. These are the experience a believer had. ये है वो अनुभव जो विश्वासी के साथ हो रहा है. When he arrived at that place. जब वो जगह पे पहुंचा. Amen. And what are the experiences the Lord is having? और लूत के पास क्या अनुभव हो रहे हैं? Bondage. बंधवाई. That's true, brother. Worldly fashions, sansarik fashion. He's losing his children to the fashions of the world. अपने बच्चों को वो संसार के फैशन में खो रहा है. That's right. That was what was happening in Sodom. ये था जो हो रहा था सदोम में. He was seeing those things. वो इन चीजों को देख पा रहा था. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? But when he arrived, but Abraham at Mamre. लेकिन इब्राहिम जब वो ममरे पहुंचा. He's receiving supernatural visitations. वो अलौकिक मुलाकातों को प्राप्त कर रहा है. He is receiving bread and wine. रोटी और दाखरस को प्राप्त कर रहा है. The father of faith, the patriarch, is receiving something to eat and drink. Amen. कुछ चीजों को प्राप्त कर रहा है खाने के लिए. God is giving a part of himself. And he's eating from God. और वो खुदा से खा रहा है. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? When did this happen? ये कब हुआ? After chapter 13. 13वें अध्याय के बाद. And when he got his lost brother back, और जब उसको उसका खोया हुआ भाई वापस मिल गया. Are you understanding? This is what experience he had. आप देखिए ये है तजुर्बा जो उसको मिल रहा है. So this is not just like that. This is all happening when he came to this place. ये यूं ही बातें नहीं हो रही. ये बात कब हो रही है? जब वो ममरे पहुंच गया. Then after that, उसके बाद, there's a small backsliding in his life. उसके जीवन में एक छोटा पिछड़ना भी है. When a boy is born in his house, जब एक लड़का उसके घर में पैदा हुआ. By the name of Ishmael. Ishmael के नाम से. That's right. Works of flesh. That these things are lessons for us. Yes. मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ हमारी शिक्षा का कारण है. It happened in that Mamre. ये बात हुई उस ममरे में. Let it not happen in this Mamre. That's right. कि इस ममरे में ये बात हो जाए. Are you understanding? Amen. समझ रहे हैं आप? It happened there. ये वहाँ पे हुआ. He and Sarah consulted with each other. Sarah और इब्राहिम ने एक दूसरे के साथ बातचीत की. And as a result, Ishmael was born. और इसके असर से क्या हुआ? इश्माइल पैदा हो गया. You see, when Cain was born, आप देखिए जब कैन पैदा हुआ, God and man was separated. खुदा और मनुष्य अलग हो गया था. But in this case, लेकिन इस केस में, because the covenant is unconditional, क्योंकि वाचा जो है वो बेशर्तीय वाचा है. Yes, God left for a certain time. आप खुदा ने थोड़े समय के लिए छोड़ा है. But after some time, लेकिन थोड़े समय के बाद, and now he became 99. तब वो 99 साल का हो गया. And the time of the promise drew near. Amen. Hallelujah. Made the promise. Amen. खुदा ने जिसने वायदे को दिया था, once again visited him in Mamre. Amen. फिर से उसने एक बार उससे मिला. And said, "Walk before me." और शका मेरे उपस्थिति में चल. And be thou perfect. और सिद्ध होता जा. In other words, your walk has not been good. दूसरे शब्दों में तेरी चाल ठीक रही नहीं है. But let your walk be perfect with me. Amen. तेरी चाल मेरे साथ सिद्ध हो जाए. Amen. And he walked before God. अब वो खुदा की उपस्थिति में चलता रहा. So that also happened there. ये बात भी वहाँ पर हुई. And in the same chapter. और उसी अध्याय में. He changed his name. उसने उसके नाम बदल दिया. And said, "Now you are no more Abraham." इब्राहिम नहीं होगा. And now your name will be Abraham. लेकिन अब से तेरा नाम अब्राहम होगा. Don't compromise on your promise, believer. Yes, sir. वादे को लेकर समझौता ना कर. Don't get satisfied with an alternative. That's true. कल को लेकर संतुष्ट होगा.
What has been said by the original word is going to come to pass. जो कुछ मूल वचन के द्वारा कहा गया है वो पूरा हो गया है. Yes. It's not Hagar. ये हाजरा नहीं है. It is not Ishmael. ये इश्माइल नहीं है. Sarah. Hallelujah. That's right. Amen. All these years. वो इतने सालों तक बच्चों को लेकर नहीं आई. I will do the parable. Amen. मैं जुमा करूंगा. I will come and do something. Amen. And I'll give you a visitation, Abraham. Hallelujah. This is in my mind. Thank you, Lord. Amen. What I'm going to do now in your house. Amen. This child which has not been born. ये लड़का जो अब तक पैदा नहीं हुआ. And now you're so happy with Ishmael. और अब तू इश्माइल से बहुत खुश है. He said, "Don't be satisfied with that boy." Because he's your child, I'll bless him. क्योंकि वो तेरा बेटा है इसलिए मैं उसको बरकत दूंगा. About your real child. लेकिन तेरा वास्तविक बेटा नहीं. Your real child will come through Sarah. Yes, Lord. वास्तविक बेटा सारा की मार्फत आएगा. Her name will not be Sarah anymore. और उसका नाम आगे वो सारा ही नहीं होगा. She shall be called Sarah. लेकिन उसका नाम सारा. H in Abraham and H in Sarah. H जोड़ दिया इब्राहिम के नाम में और F जोड़ दिया सारा के नाम में. All this happening at Mamre. ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? Mamre में. I don't understand it. These are the experiences the believer is receiving at Mamre. देखिए ये है वो बरकत है जो कि विश्वासी Mamre में प्राप्त कर रहा है. So when you call a place Mamre, it means you are showing I am separated one. जब आप एक जगह का नाम Mamre रख रहे तो आप इस बात को दिखा रहे कि मैं ऐसा इंसान हूं जो कि मैं अलग हो चुका हूं. If we are sitting here in Mamre, it means we are the seed of Hallelujah. हम Mamre में बैठे हैं. Amen. We have the function. Amen. Separated from this world. Amen. संसार से पृथक अलग हो गए हैं. Awaiting a promise. एक वायदे का इंतजार कर रहे हैं. And there's no substitute to it. और इसका कोई विकल्प नहीं है. There's no substitute to the baptism of Holy Ghost. हमें मारने के बपतिस्मे का कोई विकल्प नहीं है. Abraham said, Abraham ne kaha, when devil is producing count of three, there's a heaven full of the real. Amen. Holy Ghost. Yes. When devil is producing a count of three, there's a heaven full of skies which are full of the Amen. Real. Amen. जब शैतान एक नकल को लेकर आने की कोशिश कर रहा है आकाश भरा हुआ है वास्तविकों से. If there is a bogus dollar, then there is a real one. Amen. एक bogus dollar है तो एक वास्तविक dollar है. Amen. And we shouldn't be satisfied with an Ishmael. और हम इश्माइल को लेकर के संतुष्ट ना हो. That's the child of the born woman. वो तो दासी का संतान है. Speaking of the carnal birth. जो कि बातचीत करता है शारीरिक पैदाइश की. But the real child is the spiritual. लेकिन वास्तविक जो संतान है वो आत्मिक है. Sarah speaks of Jerusalem that is above. सारा बातचीत करती है उस यरूशलेम की जो ऊपर का है. The heavenly Jerusalem, the mother of us all. स्वर्ग यरूशलेम जो कि हम सबकी माँ है. Who is not under any bondage. जो किसी की दासत्व में नहीं पाए जाते. John saw that city coming in Jerusalem. और यूहन्ना ने 21वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य को उस नगर को आते नीचे देखा. Sarah on earth was foreshadowing that city. सारा जो पृथ्वी थी उस नगर की पूर्व छाया बना रही थी. That's Amen. What the Paul said in Galatians. ये पौलुस ने कहा गलतियों में. When he was drawing that allegory. जब वो इस तस्वीर को खींच रहा था. That parable. उस दृष्टांत को. And then you'll understand. और तब आप इस बात को समझेंगे. That this real woman. ये वास्तविक औरत. Who's a free woman. जो कि आजाद औरत है. God changed her name. खुदा ने उसके नाम को बदल दिया. And changed her husband's name. और उसके पति के नाम को बदल दिया. Now you're no more Abraham but Abraham. अब आगे का तेरा नाम अब्राम नहीं लेकिन अब तेरा नाम अब्राहम होगा. And she is no more Sarah but she shall be called Sarah. अब वो आगे वो सारा ही नहीं कहलाई जाएगी उसका नाम सारा होगा. When the H came. जब वो H आ गया. Amen. Chapter 18. Amen. Are you understanding? Yes, Madre. This is the background. ये भूमिका है. For that visitation in chapter 18. ताकि वो मुलाकात अठारह में हो सके. Are you understanding? All this is happening at Mamre. आप देखिए ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? Mamre में. You need to understand it. हमें इसको समझना जरूरी है. It's a place of a separated one. ये एक जगह है. It's a place where he receives victories. ये वो जगह है जहाँ पे उसको जीते हासिल हुए. It's a place where he also backslid, but God brought him back. ये वो स्थान भी है जहाँ पे वो पिछड़ा तो, लेकिन खुदा ने उसको वापस ले लिया है. Try to catch it. We all have our own backslidings. हम सब भी अपने अपने पिछड़ने होते हैं. We backslide 100 times a day. 100 बार दिन में हम पिछड़ते हैं. But the blood covers us. क्योंकि लहू हमें ढांक देता है. And he brings us back. In chapter 17, 17वें अध्याय में, that El Shaddai arrives. वो El Shaddai उसका आगमन होता है. And he said, "Walk before me." उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल. El Shaddai arrived in Mamre.
El Shaddai aya mamre mein. Walk before me and be thou perfect. Amen. All this time he's spending his time here. The days, as Paul said, of his sojourning. Yes. You see, that's why, you know, the houses we live in today is like lobbies. They're temporary places. Before we take off somewhere else. We are getting ready for a takeoff somewhere else. To a real city. Amen. But Mamre was like a temporary place. It was like an oasis. Where God gave Abraham his health. And then came chapter 18. When God visited him. That particular hot afternoon. While he was sitting. Brother Branham said, he knew something will happen today. Amen. Hallelujah. There has to be a visitation. Yes, sir. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Why was he waiting there? Because in chapter 17, God had said, that walk before me, and I will bless you. Yes. God had told him of this coming son. Yes. And he knew the time element. Yeah. So he knew that particular day. Yeah. That period was over. Amen. He knew now the time had come. When I can have that promise. Amen. I can have a child. That's why that hot afternoon is not sitting in his house. He came out and sitting under the trees of Mamre. Amen. Amen. He's waiting, looking ahead, waiting for someone. Amen. Hallelujah. He knows somebody will arrive. Amen. And as his expectations were, Amen. Three men came walking. Amen. Amen. Abraham saw them. और जिस क्षण इब्राहिम ने उनको देखा, he recognized them. उसने उनको पहचान लिया. He knew who is Elohim. वो पहचान लिया कि Elohim कौन है. Even before he came, यहाँ तक इससे पहले कि वो आए, he recognized that person. उसने उस शख्स को पहचान लिया. And he bowed before him. और उसके सामने वो झुक गया. Worshipped him. उसके पास में की. Amen. And said, please come in my house. और जाते जाने कि मेरे घर में आ जाएं. Amen. And said, Sarah. Sarah, prepare something. Amen. Amen. Sarah had not that revelation like Abraham had. Sarah ke paas waisa mukashwa nahi tha jaise Abraham ke paas tha. But still she was a part of him. Amen. Fir bhi wo uska bhag thi. Let me show you this. God would have killed Abraham. Abraham said, but she was spared because she was a part of Abraham. Yes, sir. I hope you're catching that. Amen. There are many things in the message. Which needs to be thought of. Amen. Which is very important for you and I to understand. Her calling her husband Lord became a safety for her one day. उसका अपने पति को प्रभु बोलना उसके लिए एक दिन सुरक्षा बन गया. She blindly followed him. वो उसने उसका अनुकरण अंधाधुंध किया. Because she blindly followed him. क्योंकि उसने उसका अनुकरण अंधाधुंध किया. One day she reaped from that. एक दिन उसने उसे रोपा. Amen. Though she laughed. यद भी वो हंसी. But God didn't kill her. एक खुदा ने उसको मारा नहीं. His covenant is unconditional. उसकी वाचा बेशर्ती है. And so God said, why did Sarah laugh? But you see, few minutes back, she's the one who prepared that bread. Yes. Those hoe cakes, as Brother Branham said. Yes. And he talked about butter and meat and all those things. How Abraham and Sarah got busy feeding the Lord. Amen. Amen.
खुदा को खिलाने में. That was the last form he visited in Mamre. ये अंतिम रूप जिसमें उसने मगरे कौन से मुलाकात की. Amen. Two were angels. दो दूत थे. And one was God. और एक खुदा था. This time it was not theophany. इस समय थियोफनी नहीं था. It was literal human flesh. इस समय वास्तविक इंसानी देह थी. It was 16 elements. ये 16 तत्व थे. In which he came. Amen. 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 And he talked with that man. Yes, sir. Hallelujah. And Abraham recognized this is the man. और अब्राहम पहचान गया ये है वो मनुष्य. And he's sitting and said, "Where is Sarah, thy wife?" अब वो बैठा हुआ कह रहा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? At this time will I visit her. इस समय मैं आके उसकी सुधि लूँगा. At the set time. Yes. Amen. इस समय पे. And she shall have that yes, son. Yes. और उसका वो बेटा होगा. She laughed. वो हंसी. Why did you laugh? तू क्यों हंसी? Is anything impossible for God in Mamre? या मामरे में खुदा के लिए कोई चीज़ असंभव है? Once you arrive at this place. जब तुम्हारा आगमन एक समय यहाँ पे हो चुका. Now see a paradox. Amen. Amen. What you have been waiting for all these years. Amen. इतने लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे. See it being fulfilled in your life. आपके जीवन में उसको पूरा होते हुए देखो. Amen. See a working of a paradox. एक अजूबे का घटित होते हुए देखो. And see how I work a paradox in your life. देखो कैसे मैं एक अजूबे को तुम्हारे जीवन में लाया. The prophet said. नबी ने बताया. That same night. उसी रात. He and his wife became young. Amen. Amen. Hallelujah. A shadow of a rapture. Thank you, Lord. Amen. Amen. This is supposed to happen now. Hallelujah. A rapture in Mamre. A rapture in Mamre. Amen, Lord. An angelic visitation in Mamre. Oh, hallelujah. A rapture in Mamre. Amen. Rapture Mamre. Then meeting the promised son in Mamre. Okay, उस पाले के वो संतान से मुलाकात करना Mamre में. I hope that's why our brother named this place like that. Amen. आशा करता हूँ कि हमने इसी जगह का नाम Mamre रखा है. Later on, बाद में, after many generations, कई पीढ़ियों के बाद, Caleb got this place. Amen. As a possession. Hallelujah. And he said, I will fight for it. Amen. He was from the tribe of Judah. यहूदा के गोत्र से था. And he said, I will fight for this place. उसने कहा कि मैं इस जगह के लिए लड़ूंगा. I will fight these giants. मैं दानवों से लड़ूंगा. To get my place. ताकि मैं अपनी जगह को प्राप्त करूं. Give me this mountain. मुझे ये पहाड़ दे दो. Amen. Yes. I hope you are understanding it. Yes, amen. And you receive that as an inheritance. Thank you, Lord. And the first judge married his daughter. और पहले न्याय ने उस अपनी बेटी की शादी. You read the book of Judges. जब आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ें. Othniel was married. That's right. Aksa, his daughter. Othniel की शादी अक्सा उसकी बेटी से हुई. That's what the scripture says. वचन में यही लिखा है. And that was the first judge. और ये था पहला न्यायाधीश. That's right. बात सही है. In the book of Judges. न्यायों की पुस्तक में. So what we find here. हम यहाँ क्या पाते हैं? That God visited Abraham. कि खुदावन ने आके मुलाकात की इब्राहिम से. At Mamre. Mamre में. And finally that visitations. It was not just one visitation. मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल एक ही मुलाकात नहीं थी. It was a series of visitations. Amen, amen. वहाँ पर एक श्रृंखला थी मुलाकातों की. Something like you read in the book of Daniel. कुछ ऐसी बात जैसे आप डेनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं. In the such and such year of the king, a visitation. Yes. फलाने फलाने राजा के दिनों में उस साल में एक मुलाकात. In the third year of Belshazzar. बेलशाजर के तीसरे वर्ष. In the first year of Belshazzar. बेलशाजर के पहले वर्ष में. In the first year of Cyrus. और कुसुर राजा के पहले वर्ष में. It's a series of visions. ये दर्शनों की श्रृंखला है. It's a series of visitations. ये मुलाकातों की श्रृंखला है. And it culminates in hearing him hearing the thunders. Amen. कैसा होता है कि वो गजनों को सुनता है. And so it happened in Mamre. तो वैसा ही हुआ मामरे में. A series of visitations. एक मुलाकातों की श्रृंखला. A communion. एक प्रभु भोज. Then a God visiting in human flesh. खुदावन आकर के इंसानी जाम में मुलाकात करते हैं. Before that he came as El Shaddai. उससे पहले वो El Shaddai के रूप में आए. Gave him the seal of circumcision. Amen. और उसको खतने की वाचा को दिया. Established a covenant with him. और के साथ वाचा को बनाया. And the last form. और अंतिम रूप. In human flesh. इंसानी जाम में. And ate with him. और बैठकर उसके साथ खाया. Sat with him. उसके साथ बैठे. I will sup with him. Amen. And he with me. और वो मेरे साथ भोजन करेगा. The time came for Abraham. When the time came for Abraham. जब समय आया अब्राहम का. In shadows.
तस्वीरों में his body was changed. दे बदल गई. Sarah's body was changed. सारा की दे बदल गई. That's the promise to a believer. ये है वायदा विश्वासी के लिए. When he arrived at Mamre. जब वो ममरे पे पहुंचा. And they are the blessings associated with those places. और ये है बरकतें जो कि जुड़ी हुई हैं उस स्थान से. I hope you're catching it. आशा करता हूं आप पा रहे हैं. That is why we really thank God. इसलिए वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं. For the rains today. आज के बारिश में. Hallelujah. Amen. That's right. Amen. All those things happening. ये सब चीजें हो रही हैं. Why is it all to happening today? आज ये सब चीजें क्यों हुई? As our brother testified. जैसे हमारे भाई ने गवाही दी. Natural times, the spiritual. Amen. आत्मा की तस्वीर देते हैं. Amen. God coming at Mamre. खुदावन का आगमन ममरे पे. His word coming at Mamre. Hallelujah. वचन ममरे पे आता है. Amen. Amen. Blessing his believer. Amen. विश्वासी को बरकत देता है. Blessing the royal seed. राज से वंश को बरकत देता है. To make them ready. ताकि उनको तैयार करे. To go in the rapture. ताकि वो रैप्चर में जा सके. Amen. I hope you're catching this mystery. आशा करता हूँ कि आप इस भेद को पकड़ पा रहे हैं. Many things happen. कई चीजें हुई. Which we need to understand down the road with us. जो कि हमारे साथ घट रही है रास्ते में, इसको हमें समझना जरूरी है. We all wanted to be friends with the world. हम सब के साथ संसार के साथ मिलकर के उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे. But somehow circumstances rose in our lives. लेकिन किसी कारण से परिस्थितियां हमारे जीवन में खड़ी हुई हैं. We couldn't enjoy that friendship for very long. That's right. हम उस दोस्ती का आनंद बहुत समय तक ले नहीं पाए. Or on one pretext or the other, we had to lose that friendship. हमें एक बहाने या दूसरे बहाने में होकर के उस दोस्ती को छोड़ना पड़ा. And finally we came to a time that we just became alone. और एक समय ऐसा है जबकि हम अकेले हो गए. Just you and your God. Amen. Amen. But that's exactly what God wanted. Thank you, Lord. Amen. Amen. I will be your friend. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. My father, my mother. Amen. Amen. He's everything to me. Amen. What a friend we have in Jesus. Yeshu kaisa dost pyara. When that friend came. Jab wo dost aaya. Your Abraham was called a friend of God. Abraham ko khuda ka dost aa gaya. So now he had a real friend. Ab uske paas ek vastavik dost tha. A friend in need. Ek zarurat mein. एक दोस्त इज अ फ्रेंड इन नीड. वही वास्तविक दोस्त होता है. एंड ही इज अ रियल फ्रेंड. अब वो वास्तविक दोस्त है. चेंज हिज बॉडी. जिसने उसकी देह को बदल दिया. Made him young. उसको जवान बना दिया. And Sarah had her cycles beginning again. और सारा की जो मासिक चक्रियां हैं वो दोबारा चालू हो गई. And she started bearing. And she got ready. और वो तैयार हो गई. And she conceived. और वो गर्भवती हुई. And she bore a child. और एक बेटे को जनी. Not an old grandma. एक बूढ़ी दादी नहीं. But a young woman. Amen. At that age she became young. At that age she became young. उस उम्र में वो जवान हो गई. Not written in the scriptures. वचन में लिखा. Hidden in the scriptures. वचन में छिपा. Yes, sir. What happened at Mamre is hidden in the scriptures. जो कुछ ममरे में घटा. That's right, brother. वचन की आयतों में छुपा है. That's what is going to happen here as well. और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा. With us. हमारे साथ. One of these days. इन्हीं कुछ दिनों में. You are leaving this place. हमें जाना चाहिए. Amen, Lord. Receiving a body change. हमें ये बदलाव को प्राप्त कर रहे हैं. That seventh seal. Amen. That coming of the Lord. Amen. Yes, sir. The Lord Himself coming. Amen. स्वयं आना. Coming in human flesh. इंसानी चाम में. With two angels. दो दूतों के साथ. And the prophet said. नबी ने कहा. When these three head planters went. जब ये तीन head planters चले गए. Then the rain fell. तब बारिश आई. Amen. Guys, the message. Yes, sir. The rain has already been falling in the message. संदेश में पहले से बारिश गिर रही है. There is a latter rain in the message. संदेश में एक अंतिम बारिश है. Rapturing faith, Brother Branham said, is laying in the message. Amen. संदेश में ही ये उड़ाने वाला विश्वास पाया जाता है. It needs a surge of the Holy Ghost. Amen. बहाव की आवश्यकता है. To take you to that understanding. ताकि आप समझ सकने जाएं. Quick in your mind. Amen. आपकी चेतना आपके मन को जगा दे. A final quick. Amen. जगाया जाना. In a particular channel. एक खास स्रोत में. Because the Bible says. बाइबल में लिखा है. In the last book of Revelations. प्रकाश वर्ग के अंतिम पुस्तक में. In the last chapter. और अंतिम अध्याय में. This is how it writes. इस प्रकार से लिखा हुआ है. The name which was on his thigh. Yes. नाम जो उसकी जांघ में था. Was now in their forehead. Amen. Yes. It's already in your forehead. Yes. पहले से आपके माथों पर है. But your Amen. Eyes are not able to see it. लेकिन आपकी आंखें उसको देख नहीं सकती. One day he will lift the veil. एक दिन वो पर्दे को ऊपर उठाएगा. And the name will now come in your conscious. और वो नाम आपके विवेक में आ जाएगा. And when that happens, अगर ऐसा होगा, let the bride say, दुल्हन काश कहे,
Come, Lord Jesus. आ प्रभु यीशु. Even so, I come. यहाँ तक कि मैं आती हूँ. And the bride goes. Amen. The silence of the service. Amen. आज मोहर के साथ. Hallelujah. I hope you are catching the message. That is where we are today. ये है वो जगह जहाँ पर हम आज हैं. God bless you. अल्लाह को बड़ी बरकत दे. God bless Brother Donnie. God bless you. बड़ी बरकत दे. God bless this whole family. इस पूरे परिवार को बड़ी बरकत दे. May this house be a blessing to my brother. Amen. हर बरकत का बाईस हो सके मेरे भाई के लिए. And the whole family who has come here. पूरा परिवार, समस्त परिवार जो यहाँ आया है. May God really bless you. काश खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. Lord Jesus, we really thank you. प्रभु यीशु मसीह आपके पास में धन्यवादित हैं. For this precious day. इस बहुमूल्य दिन के लिए. And this place which you have given to our brother. और इस स्थान के लिए जो आपने हमारे भाई को दिया है. That he can rest here. कि यहाँ पर वो विश्राम कर सके. He can sit with you alone. वो आपके साथ अकेले बैठ सके. Pray here. यहाँ प्रार्थना कर सके. Oh Lord, I remember some time back I went to his previous house. और खुदा मुझे याद है मैं कुछ समय पहले खुदा उसके इस भाई के पहले वाले घर पे गया. He was just passing his time there. अपने समय को केवल वहाँ गुजार रहे थे. But I so thank you, Lord. लेकिन प्रभु मैं आपका पास विकता में धन्यवाद करता हूँ. You gave him a beautiful home. आपने उनको एक खूबसूरत घर दिया है. And not just a beautiful house. और केवल एक खूबसूरत घर ही नहीं. A mamre. एक mamre. A place. एक जगह. Where he sojourns. जहाँ वो यात्रा कर रहा है. Waiting for that city. इंतजार कर रहा है उस नगर के लिए. Builder and maker is God. जिसका बनाने वाला रचने वाला खुदावंद है. You Lord yourself. आप खुदावंद स्वयं. A mansion. एक महल. Not made by hands. जो हाथों के द्वारा नहीं बना. But by the spoken word of God. खुदावंद के मुंह से बोले गए कलाम के द्वारा. And Lord, I really thank you. और प्रभु मैं आपका वास्तविकता में धन्यवाद करता हूँ. That you called all of us here. कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया. To witness this time. ताकि इस समय को हम देख सकें. That we could come in Mamre. कि हम Mamre में आ सकें. Yes, Lord. Could it be, Lord? कैसा हो सकता है प्रभु? That's not just a Mamre for him, but a Mamre for all of us. ये एक Mamre इस भाई के लिए नहीं, हम सबके लिए हो. Then if it is. ताकि हम लाभ उठा सकें. And then, if it is, अगर वैसा है, then the time of the promise has come. तो वादे का समय आ चुका है. Lord, you give grace. प्रभु आप अनुग्रह प्रदान करें. The three head planters are gone. तीन head planters जा चुके हैं. Amen. It's time for that last surge. अब समय है उस अंतिम बहाव का. Oh God, send it. ओ प्रभु से भेज दें. Fill us. हमें भर दें. And take us home. और हमें घर ले जाएं. Oh Lord, we pray earnestly. ओ प्रभु हम बहुत गिड़गिड़ा के आपसे प्रार्थना करते हैं. That you fill this place. कि आप इस जगह को भर दें. With your presence. अपनी मौजूदगी से. Amen. Lord Jesus, I pray for Brother Donnie. प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ भाई टॉनी के लिए. And Sister Sharon. और Dan Sharon के लिए. And Daniel and Ezekiel. और Daniel और Ezekiel के लिए. Let them be filled with thy Holy Spirit. Lord, take away every evil and demonic spirit from this place. हरेक दुष्ट आत्मा और हरेक दुष्ट चीज को यहाँ से निकाल दे. Let your sweet Holy Spirit live here. और आपका मधुर पवित्र आत्मा यहाँ वास करे. Let be a place blessed for our brother. और ये जगह हमारे भाई के लिए बहुत मुबारक हो. A place where he receives victories. एक ऐसी जगह जहाँ पे वो जीतों को हासिल करे. A place where he brings his lost brother back. एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने खोए हुए भाई को वापस ला सके. A place where he enjoys your grace covenant. ऐसी जगह पे जहाँ पे वो आपकी अनुग्रह की वाचा में आनंद ले सके. A place of circumcision. एक खतरे वाली जगह. A place where the name was changed. एक ऐसी जगह जहाँ नाम बदल गया. A place where El Shaddai was attended. एक ऐसी जगह जहाँ पर El Shaddai ने आके मुलाकात की. A place where he nursed a new body. Yes, Lord. एक ऐसी जगह जहाँ A place where he visited God. Oh, God. I mean, yes, God. Amen. And he changed his body. और उसने उसकी देह को बदल दी. May this all happen with all of us. काश ऐसा हो कि ये सब कुछ हमारे साथ हो सके. Yes, Lord. Yes, Jesus. Who's awaiting that promise? Look at his father के इंतजार में. With us. हम सब के साथ. Oh God, give us grace. हमें अनुग्रह प्रदान करें. Bless this place. इस जगह को बरकत दे. And even the civilities later on. और यहाँ तक कि वो जो बाद में जो चीजें बाद में होगी. Lord, you take control of that. उन सब का नियंत्रण आप ही. As we completely surrender in your high, mighty hands of grace. जबकि आपके अनुग्रह महान
अनुग्रहकारी हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen, Amen। आए हमारे पास, आपके आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। God bless you. Amen. God bless you.